देश में रोजगार और रेवेन्यू के लिहाज से हेल्थ केयर सेक्टर की अहम भूमिका हो गई है। हेल्थ केयर सेक्टर सरकारों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना इसी कड़ी में शुरू की गई है। एलेट्स, CRM, एकेडमी ऑफ एशिया, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स समेत हेल्थ केयर सेक्टर के दिग्गजों को आमंत्रित किया गया। दिग्गजों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूदा सुविधाओं में सुधार की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता ने दो स्वास्थ्य सेवा मंचों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। पहला इवेंट एनुअल हेल्थ केयर इनोवेशन समिट का आयोजन होटल हयात रिजेंसी में हुआ। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि उपचार और समग्र अनुभव दोनों के मामले में मरीज अस्पताल के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरा इवेंट रोगी अनुभव कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2019 के नाम से संपन्न हुआ, जिसमें वक्ताओं ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में सुधार के मुद्दे पर अपनी राय रखी। And if you see, patient who is in pain, sorrow, maybe sometimes he is unconscious, he is not able to see surroundings, your ambience, your support services. The attendant who is coming with them, they are most of the time decision makers also. And they are the person who are auditing your processes, your ambience, your clinical outcomes, your behavior of doctors, your attitude of support staff. So that means if we conclude on this point, then patients and their attendants are our prime customers who should be taken care of. Most